नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आपका एक और नए BGMI के गेम प्ले में। तो इस वाले गेम प्ले में अपन आ चुके थे पोचिंग की में, और पोचिंग की में आने के बाद क्या ही फाइटें हुई है बस देखिए आप आगे जाके। और इस वाले गेम प्ले में भाई तीन बंदों से कम में हम रुके ही नहीं, हर बार जब भी क्लच किया है तो तीन तीन बंदों को लपेटा है। तो सबसे पहले यहाँ पर UMP मिल चुकी थी और ये अकेले बॉट को हमने स्टार्ट में मार दिया, और इससे हथियार ली थी हमने M762। बस देखिए अब M762 का जलवा। और यहाँ पे हम देख ही रहे थे, उतने में ही पूरी की पूरी स्क्वाड यहाँ पे टनल के अंदर बैठी पड़ी थी। भाई पोचिंग के आए हो, घरों में बैठो, पर इनको भाई टनल में घुसना है। तो हमारे टीममेट को किसी ने तो नॉक कर दिया यहाँ पे अंदर के साइड से। बस देखिए आप बैरल के जलवे और मजे लीजिए। ये देखिए बहुत ही बढ़िया तरीके से यहाँ पे क्लच पूरा होता हुआ, बहुत ही शानदार तरीके से 1v3 क्लच कंप्लीट कर दिया था यहाँ पे। भाई इस वाले गेम प्ले में भाई सीधा का सीधा तीन बंदों से अपन मतलब कम खेलते ही नहीं, हर बार तीन तीन बंदों को लपेटा है। इसके बाद यहाँ पे हम बैठे ही थे तो उतने में ही एक बंदा भाग रहा था भाई ओपन से, और ओपन से भागते भागते ट्रिपल स्टोरी में घुस गया। उसका प्लान था कि अपन ट्रिपल स्टोरी जाएंगे, कैंप कूंप करेंगे, पर भाई उसके प्लान के ऊपर सीधा हमने पानी फेरने के लिए सीधा अपन घुस गए, और घुसने के बाद सीधा इसको नॉक एंड फिनिश करके पोचिंग की पूरी खाली कर दी। और पोचिंग के से निकलने के बाद बारी आ चुकी थी स्कूल अपार्टमेंट जाने की, तो यहाँ पे आते ही फाइटें भिड़ चुकी थी दोस्तों। तो एक और बार क्या होने वाला है आपको पता ही है, 1v3 क्लच, तीन तीन बंदों से कम अपन रुके ही नहीं इस वाले गेम प्ले में। तो ये देखिए उसका थोड़ा सा ग्लिच हो रहा था दीवार से, और ये ख़त्म, दो नॉक हो चुके थे, अब बारी थी रश करने की। और इस वाले गेम प्ले में खास करके बैरल ने तो तबाही मचा दी थी भाई साहब। और ये देखिए एक और क्लच कंप्लीट होते हुए बहुत ही बढ़िया तरीके से शानदार। इसके बाद अपन इधर ही बैठे पड़े थे तो उतने में ही पूरी पूरी स्क्वाड रश कर देती है यहाँ पे हमारे ऊपर, और नंबर दो टीममेट भाई सीधा घुसते मारने लगा भाई वहाँ पे। ऐसे नहीं होता भाई, थोड़ा वेट करना होता है भाई, सीधा नहीं घुसते, तो यहाँ पे वेट करना होता है। तो यहाँ पे हमने थोड़ा डैमेज तो देने की कोशिश की, पर हमें भी डैमेज मिल चुका था दोस्तों। तो सीधा अपन ऊपर आए, हेल्थ लगाई, और इसके बाद आपको तो पता ही है क्या होने वाला है, सीधा सीधा 1v3 क्लच। बस देखते रहिए, और अभी चलते हैं ऊपर के साइड, और सीधा यहाँ से डाइव या जंप मार दी थी हमने, और सीधा के सीधा बस देखिए बैरल के जलवे, बहुत ही शानदार 1v3 क्लच, और ये ख़त्म, बूम। 1v3 क्लच के साथ बहुत बढ़िया 10 किल ख़त्म कर दिए थे। तो इस वाले गेम प्ले में आगे कुछ था नहीं। अब ये कौन बोल रहा है भाई कि आगे जाके मैं मर गया हूँगा, तो कोई बात नहीं दोस्तों, चलता रहता है। दूसरा वाला गेम प्ले स्टार्ट हो चुका है दोस्तों। यहाँ पे इस वाले गेम प्ले में अपन प्रीमोस्क गए थे, पता नहीं बहुत ही ज़्यादा दिनों के बाद प्रीमोस्क, ये पता नहीं क्यों लेके गए थे ये टीम, पर कोई बात नहीं, अपन टीममेट्स के साथ ही खेलते हैं, रैंडम है तो क्या हुआ। तो यहाँ पे ओपन में मेरे को दिखा भाई कोई तो है बैठा बड़ा, मुझे लगा ये कोई गाड़ी होगी भाई, कोई तो होगा गाड़ी वगैरह, पर यहाँ पे तो ये प्लेयर खड़ा हुआ था भाई, ऑफलाइन था, पर हमें लगा एक ही प्लेयर होगा। और उतरने के बाद देखा तो भाई दूसरा प्लेयर भी निकल चुका था भाई यहाँ से, तो इन दोनों को आते ही ख़त्म कर दिया। और वैसे स्टार्ट तो कब का हो चुका था गेम प्ले, गेम तो कब का स्टार्ट हो चुका था, कोई मिला ही नहीं। तो यहाँ पे ये दो बंदे मिल गए, और ये एक बॉट भी देखिए दूर से भाग आ रहा था। तो इसको मारने के बाद बारी आ चुकी थी अपार्टमेंट में आने की, और हमारे टीममेट ने एक प्लेयर को नॉक कर दिया था। और बस देखिए गॉड ऑफ ग्रेनेडियर का एक और ग्रेनेड, और ये बूम, बहुत ही बढ़िया तरीके से दो किल आसानी से, मतलब टीममेट का नॉक जो था उसको ख़त्म, और अपने को एक किल मिल गया। और एक और प्लेयर यहाँ पे बैठा पड़ा था, और बस हम देख रहे थे कहाँ पे है, और ये घर के अंदर ही था यहाँ पे, और हमारे टीममेट को नॉक किया पर कुछ कर नहीं पाया ये बोट, और इसको भी ख़त्म कर दिया। और इसको ख़त्म करने के बाद अपन निकल ही चुके थे यहाँ से, बस पहाड़ी पर यहाँ पर बैठे पड़े थे, फ्लेयर ड्रॉप आया था, और उतने में ही हमारे नंबर दो टीममेट को किसी ने तो नॉक कर दिया भाई, लेटा पड़ा था भाई साफ, और सीधा फिनिश डाल दिया। इसके बाद एक और टीममेट को हमारे नॉक कर दिया नंबर तीन को, तो अभी सैलमॉन भाई को याद करते हुए सीधा गाड़ी चढ़ा दिया हमने तो भाई उसके ऊपर, और सांपों को तो ऐसे ही सैलमॉन भाई के स्टाइल में मारना होगा। तो दोस्तों इसके बाद यहाँ पर एक डुओ आ चुका था, डुओ शायद एक सोलो ही था शायद से, सांप लेटा पड़ा था भाई, बस हम देख ही रहे थे। उतने में नंबर तीन को उसने नॉक कर दिया, और सीधा हमने भी इसको जिगल दे जिगल दे जिगल करके फिनिश कर दिया। अब बचा था बस आखिरी प्लेयर, और इसको अपन
बस ट्रोल ही करे जा रहे थे, बस ट्रोल करते करते इधर उधर भाग रहे थे, टाइम पास कर रहे थे। मतलब वैसे भी ये गेम प्ले ख़त्म होने को आया था, 7 किल हो चुके थे और बस वेट था कि कौन लेगा आखिरी किल, इसको कौन मारेगा, और बस कमेंट में लिखिए कौन लेगा। तो कमेंट में लिखने की भी आपको ज़रूरत नहीं है दोस्तों, आपको तो पता ही होगा हु इज़ द किंग, हु इज़ द गॉड। तो ये देखिए स्मोक के अंदर से सीधा स्प्रे और हेडशॉट हेडशॉट हेडशॉट, और इसी के साथ गेम प्ले ख़त्म होती है। और चिकन डिनर आते हुए तो पिछले वाले गेम प्ले में तो लगातार हैट्रिक की हैट्रिक मारी थी, तो इस वाले गेम प्ले में थोड़ा पेशेंस रख के हमने पूरा का पूरा गेम प्ले संभाल लिया था। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी और नए गेम प्ले के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स, लव यू।